अब BSNL हुआ टाटा का, अब BSNL बनेगा डेटा का असली बादशाह। जियो एयरटेल हुए बर्बाद, 140 करोड़ भारतीयों को लाइफ टाइम सबसे सस्ता 4G रिचार्ज देने का हुआ बड़ा ऐलान। 5G सर्विस देने के लिए BSNL जुटा पागलों की तरह, अब टेलीकॉम सेक्टर का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड पूरे भारत के इंटरनेट डेटा के मार्केट पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ऐसा भूचाल लाने वाला है डेटा का, यानी इतनी कम प्राइस पर 140 करोड़ भारतीयों को ऐसा डेटा पैकेज देने वाला है कि जियो और एयरटेल का मार्केट पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इस समय जियो और एयरटेल का दाम आसमान छू रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग जियो और एयरटेल के सिम को सीधा BSNL में पोर्ट करवाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब BSNL में टाटा ग्रुप की एंट्री हो चुकी है। लोगों को लग रहा है कि अब BSNL का रिवाइव होना पक्का है। BSNL सबसे एडवांस लेवल की टेलीकॉम कंपनी बनकर उभरने वाली है। दरअसल BSNL और टाटा ग्रुप के साथ में 15,000 करोड़ की डील फाइनल की गई है 4G लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे टाटा BSNL को नेक्स्ट जियो ऑफ इंडिया बनाने वाला है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की BSNL में एंट्री के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, इस समय BSNL ने अपनी ऐसी दांव चली है कि जियो, एयरटेल और VI कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, BSNL ने महज 249 रुपए के रिचार्ज प्लान में 45 दिनों की वैलिडिटी, साथ ही साथ 2 GB डेटा पर डे, इसके अलावा 100 SMS पर डे अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग देना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, आज की तारीख में 2 GB का डेली डेटा, 100 SMS पर डे अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कौन देता है? BSNL वही कर रहा है जो पहले जियो दिया करता था। जो सुविधाएं जियो ने देकर के पूरे 140 करोड़ भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया, और जियो की देखा देखी यहां एयरटेल भी उतरा, आइडिया भी उतरे, इन सब ने अपने अपने मार्केट शेयर कब्जाए और इन सब ने पहले ताबड़तोड़ डेटा दिया, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा खासा कस्टमर सर्विस बेस दिया, और उसके बाद अचानक से दाम बढ़ा दिए। अब इन कंपनियों को लग रहा है कि हमने लोगों पर बहुत लुटाया, अब टाइम आ चुका है कमाने का, और इसी मौके पर BSNL फिर से एक बार पुनर्जीवित होकर लोगों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। BSNL अब एक नई ऊंचाइयां छूने वाला है। दोस्तों, आज से महीने भर पहले कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि BSNL कभी पुनर्जीवित यानी रिवाइव भी हो सकता है, लेकिन प्राइस हाइक जो हुई जियो एयरटेल की और टाटा ग्रुप की जो एंट्री हुई BSNL के अंदर, इसने सब कुछ पलट कर रख दिया। दोस्तों देखिए, जियो और एयरटेल ने अपनी कीमतों को 12 से लेकर 27% तक बढ़ा दिया। जरा आप समझिए इस बात को, जिस 249 रुपए के प्राइस पर BSNL दे रहा है 45 डेज की वैलिडिटी, उसी प्राइस पर अब जियो दे रहा महज 20 डेज की वैलिडिटी, और यही सेम केस एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ में हुआ है। और दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि BSNL ने टेक्नोलॉजी को बहुत धीरे धीरे अपडेट किया। जब देश में 3G रोल आउट हो चुका था, तब भी BSNL 2G में चल रहा था। जब देश में 4G रोल आउट हो गया, तब भी जो BSNL था वह 3G में ही चल रहा है। और कई ऐसी जगह हैं जहां पर BSNL का 4G काम नहीं करता, और अब जब 5G आ चुका है, तब भी ऐसी कई जगहें जहां BSNL का 4G काम नहीं करता। लेकिन अब टाटा के आ जाने से लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि टाटा ने जिस भी सेक्टर में अपना कदम रखा है, उस सेक्टर को नेक्स्ट लेवल का बना दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह टाटा BSNL को डेटा की दुनिया का बादशाह बनाने वाला है, यानी जियो, एयरटेल और VI से भी एडवांस। तो दोस्तों, BSNL टाटा ग्रुप की मदद से लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है। टाटा के जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, वह मदद करेंगे BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने में, उसकी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, BSNL की रीच को बढ़ाने में। टाटा का जो एडवांस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वह BSNL की कवरेज को बढ़ा देगा, यानी उसकी जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है, यानी जो आधे शहरी इलाके हैं या पूर्ण रूप से जहां शहरीकरण नहीं हुआ, उन इलाकों में BSNL के कवरेज को बढ़ा देगा।
इसके अलावा टाटा BSNL के एडवांस सर्विस क्वालिटी पर फोकस करेगी, जिसकी वजह से फास्ट और हाई स्पीड डेटा लोगों को मिलेगा। टाटा की टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद नेटवर्क इशू और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी आ जाएगी। और टाटा की खासियत यही है कि वह नए नए इनोवेशन करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करता है। इससे यह होगा कि BSNL को जल्द से जल्द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाना है, कैसे कवरेज बढ़ाना, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, कैसे यूजर एक्सपीरियंस को बढ़िया बेहतर बनाना है, ये सारा एक्सपीरियंस अपने साथ में टाटा लेकर के आएगा। तो दोस्तों, अगर BSNL ने टाटा की मदद से अपनी कनेक्टिविटी को सुधार लिया, अपनी डेटा स्पीड को, अपने इंटरनेट की स्पीड को सुधार लिया, और डेटा अगर डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बिना रुके हुए चलता रहेगा, और ग्रामीण इलाकों तक अगर BSNL 4G की स्पीड को पहुंचा दिया, और जिस प्राइस पर, यानी बेहद कम प्राइस पर 4G स्पीड में डेटा दे रहा है BSNL, तो इससे वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी BSNL की सर्विसेज के साथ। और जहां पर वैल्यू फॉर मनी वाली बात हो जाती है, तो वहां पर लोग टूट पड़ते हैं, यानी कहने का मतलब कि लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, BSNL को ही चूज करेंगे, और यहां पर जियो, एयरटेल और VI की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी, उनका मार्केट पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। दोस्तों, BSNL टाटा का सपोर्ट लेकर गांव से लेकर शहरों तक 4G टावर बिछाने में बड़े शिद्दत से जुट गया है। ऑलमोस्ट यह काम कंप्लीट भी होने वाला है, लाखों टावर बिछाए जा चुके हैं। और यही नहीं, जहां भी 4G नेटवर्क लगाए गए हैं, उन्हें इस तरह लगाया गया है कि उन्हें इन फ्यूचर 5G टेक्नोलॉजी में आसानी से बदला जा सके। भारत सरकार भी BSNL को जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने के लिए ऐलान कर दिया है। यानी अब टाटा की टेक्नोलॉजी और भारत सरकार का पैसा दोनों BSNL पर अब खर्च होगा। वहीं दूसरी तरफ टाटा देश के अंदर कई शहरों में BSNL के सर्विस सेंटर भी खुलेगी, ताकि कस्टमर्स को अगर कॉल ड्रॉप से लेकर कोई भी समस्या है, तो सर्विस सेंटर पर कॉल करके वह अपनी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि टाटा के सपोर्ट में BSNL के द्वारा जो 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि हाई स्पीड डेटा लोगों तक पहुंचेगा। वीडियो देखते समय कस्टमर को बफरिंग के प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा, स्मूथ और फास्टली बिना रुके हुए वीडियो अब चलेगी। और दोस्तों, इस समय देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के पास 4G मोबाइल ही है, खास करके गांव में तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए BSNL के 4G नेटवर्क का बूम देखने को मिल सकता है, अगर BSNL अपने दावे पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, डेफिनेटली भारत की 140 करोड़ जनता पूरी तरह से BSNL पर ही शिफ्ट हो जाएगी। जियो, एयरटेल और VI के जो सिम है, वह पूरी तरह से BSNL में पोर्ट हो जाएंगे और BSNL ही डेटा की दुनिया का बादशाह होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।